हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम 13 साइज के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पेपर ले रखे हैं, एक साथ दो पेपर हैं और एक ही साथ हम बैक और फ्रंट की दोनों की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम टेप ले लेते हैं और सबसे पहले गले की चौड़ाई नापते हैं। तो ये 13 साइज़ के लिए है फ्रेंड्स, साइज़ बहुत छोटी है। तो यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई को लूँगी 2.5 इंच यहाँ पर, और शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को हम रखेंगे 3 इंच की। इसके बाद हम आर्मोल ले लेंगे। तो यहाँ पर आर्मोल मैं रख रही हूँ 5.5 इंच, मतलब 5.5 इंच का, और इस तरह से आर्मोल को हम जोड़ देंगे। अब इसकी हाइट नापते हैं। हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 15.5 इंच, मतलब 15.5 इंच। और फिर से एक बार, जहाँ पर हमने आर्मोल का निशान लगाया है यहाँ से हमें इस तरह से सीधा टेप रखना है और 30 का 4th भाग लेना है। तो यहाँ पर मैं 30 का 4th भाग ले रही हूँ, 7.5 इंच एक्स्ट्रा मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच लिया है, 7.5 इंच, तो यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। तो ये हो गया 9 इंच। सेम इसी तरह से जहाँ से हमने हाइट नापी है यहाँ पर भी हम सीधे टेप रखेंगे और इसे यहाँ से गिन लेंगे 9 इंच पर। अब डॉट्स को जोड़ लेंगे जहाँ पर भी हमने निशान लगाए हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे 1 इंच का निशान, तो 1 इंच पर मार्जिन कर लेते हैं और इसे गोलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कटिंग कर लेते हैं पेपर की। सबसे पहले हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। अभी जैसे हमने मार्किंग की है, दोनों भी पेपर हमें सेम इसी तरह से काट लेने हैं। गीती ऐसे ही हमने दोनों भी पेपर्स काट लिए हैं। ये देखिए, ये दोनों पेपर हो गए हैं। अब हम नीचे का पेपर बैक साइड के लिए अलग रख लेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस फ्रंट साइड पर और निशान लगाने हैं, अलग मेजरमेंट्स लेनी है। तो फ्रेंड्स, बैक साइड का हमने आर्मोल रखा था 1 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/2 इंच। 1/2 इंच पर मार्किंग कर लीजिए और इसे गोलाई दे दीजिए। ये फ्रंट पार्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर की ओर झुकाकर गोलाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे गोलाई दी है। अब यहाँ से हमें क्रॉस पट्टी रखनी है, तो क्रॉस पट्टी मैं रख रही हूँ यहाँ पर 3 और 3.5 इंच की। तो 3 पर एक बार मार्किंग कर ली हमने, 3.5 पर भी हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। एक बार फिर से 3 पर भी कर लेंगे, मतलब ये दोनों 3 पर मार्किंग हुई है और ये 3.5 पर हुई है। तो सबसे पहले जो 3 पर हुई है इसे हम जोड़ लेंगे सीधे। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम यहाँ से टेप रखेंगे और इसे 3 पर फिर से मार्किंग करेंगे। फिर से मैं 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, और इसे हम इस तरह से गोलाई देंगे। ये क्रॉस पट्टी की बाजू है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आगे का गला आप जितना भी चाहे रख सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जैसा भी चाहिए। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6 इंच, 6 पर मार्किंग कर लूँगी मैं। और यहाँ से भी आप गिन लीजिए कि ये बराबर 2.5 इंच है या नहीं, यहाँ पर कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं 1 इंच अंदर लूँगी और इसे गोलाई दे दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से एक बार टेप को हम सीधे रखेंगे इस साइड में, नीचे की साइड में जहाँ पर हमने क्रॉस पट्टी को गोलाई दी है, सेम उसी साइड में हम टेप को इस तरह से रखेंगे। और आप यहाँ पर कटोरी की जो भी साइज़ है वो आप यहाँ से गिन ले। तो यहाँ पर मैं 13 साइज़ के लिए है, तो ये साइज़ बहुत छोटी है, तो इसे मैं यहाँ पर 5 इंच की कटोरी रख रही हूँ। 5 पर मैंने मार्किंग कर ली है और अब हम इसे यहाँ पर बिल्कुल 1/2 इंच पर, 1/4 इंच पर आप मार्किंग कर लीजिए। और अब हम इसे गोलाई देंगे। तो ये कटोरी ब्लाउज़ है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स,
सेम इसी तरह की हमें मार्किंग करनी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आप आर्म होल को कट कर लीजिए, पेपर पर बढ़ाना है तो सबसे पहले कटोरी ले लीजिए और इसको आप बिल्कुल इस तरह से जोड़ दीजिए। इसके दोनों भी सिरे जो है कोने हमें साथ में रखने हैं और इसका सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेंटर पॉइंट पे ये मार्किंग हमें करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है, पेपर पर हम इस कटोरी को इस तरह से रखेंगे और इसकी आउटलाइन ले लेंगे। तो ये जैसी कटोरी है ऐसी ही हमें इसकी आउटलाइन लेनी है। बस आप इसका जो सेंटर है इसके ऊपर मार्किंग करके रखिए, क्योंकि वो आपको पता चले कि यहाँ पर इसका सेंटर है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी आउटलाइन ले ली है। और फिर से एक बार टेप ले लेंगे और इसके थ्री सेंटर्स, 1, 2 और 3 सेंटर्स, ये तीनों सेंटर्स से हमें इन्हें आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं इसे आगे बढ़ा रही हूँ 1.5 इंच के लिए। तो 1.5 इंच पर मार्किंग कर ली। एक बार यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और नीचे की साइड भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तीनों साइड्स को जोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जोड़ना है। और ये जो साइड है इसको हमें फिर से एक बार गोलाई देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये हमारी ओरिजिनल कटोरी जो हमें चाहिए वो बन चुकी है। अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी को अलग कर लिया है और ये हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर जो है वो टक्स रहता है, तो यहाँ पर कटोरी हमारी फोल्ड हो जाती है। ये फ्रंट की मार्किंग है और ये हमारा बैक जो हमने पहले काट कर रखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा और मुझे आपका इंपॉर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू सो मच।